स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर न केवल ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकें। तो स्टूडेंट्स, आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नोटिफिकेशन मेरी नई वीडियो का सबसे पहले। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट सेम क्लासिकल मैकेनिक्स एंड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यूनिट 4 के एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है वेलोसिटी एडिशन थ्योरम और रिलेटिविस्टिक एडिशन ऑफ वेलोसिटीज। तो स्टूडेंट्स, वेलोसिटी एडिशन थ्योरम को प्रूव करने के लिए आपको लेने पड़ेंगे दो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहां पर मैंने लिए हैं दो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पहला फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एस, जिसकी कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक्स, वाई एंड जेड, जिसका ओरिजिन है ओ। दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया है मैंने एस प्राइम, जिसके कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक्स प्राइम, वाई प्राइम एंड जेड प्राइम, जिसका ओरिजिन है ओ प्राइम। जब टाइम टी इक्वल टू जीरो था, तब दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस एंड एस प्राइम जो है वो कंसाइड कर रहे थे, मींस ओ एंड ओ प्राइम जो उनके ओरिजिन थे वो कंसाइड कर रहे थे। जब टाइम टी इक्वल टू जीरो था, तो ओ प्राइम एंड ओ जो थे वो कंसाइड कर रहे थे। अब क्या होगा, जो हमारा एस प्राइम फ्रेम होगा वो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी वी के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में मूव करना शुरू करेगा। तो स्टूडेंट्स, कुछ डिस्टेंस, कुछ टाइम के बाद जो हमारा एस प्राइम फ्रेम है, जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी वी वेक्टर के साथ एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, वो थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, यहां पर हमने एक पार्टिकल एज्यूम किया है जो कि मोशन में है, जो कि मूव कर रहा है, और उस पार्टिकल की पोजिशन को हमने डिनोट किया है पॉइंट पी के साथ। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हम मान लेंगे दो ऑब्जर्वर्स, एक ऑब्जर्वर यहां खड़ा होगा इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ओरिजिन पे, एक ऑब्जर्वर यहां खड़ा होगा इस मूविंग फ्रेम एस प्राइम के ओरिजिन ओ प्राइम के ऊपर, और वो दोनों के दोनों ऑब्जर्वर्स इस मूविंग पार्टिकल को ऑब्जर्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, पी पॉइंट पर एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट्स जो होंगे पी पॉइंट के, ओ ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, वो होंगे एक्स, वाई, जेड एंड टी। देर आर फोर स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स, थ्री स्पेस कोऑर्डिनेट्स है, एक्स, वाई, जेड कोऑर्डिनेट्स, और चौथा जो है वो टाइम कोऑर्डिनेट है। इसी तरह से P पॉइंट पर पार्टिकल के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे O प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में, वो होंगे X प्राइम, Y प्राइम, Z प्राइम एंड T प्राइम। स्टूडेंट्स, इन चारों कोऑर्डिनेट्स में क्या रिलेशन होता है, वो डिपेंड करता है फ्रेम S प्राइम की वेलोसिटी के ऊपर। अगर फ्रेम S प्राइम एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, और वो वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा नहीं है, वो डे टू डे लाइफ से रिलेटेड वेलोसिटी है, जैसे कि एक मूविंग कार, मूविंग ट्रेन, एक मूविंग एरोप्लेन की जो वेलोसिटीज होती हैं, उसके कंपैरिजन में इसकी वेलोसिटी है मूविंग फ्रेम S प्राइम की। तो स्टूडेंट्स, इन चारों कोऑर्डिनेट्स के बीच में, मीन्स X और X प्राइम के बीच में क्या रिलेशन होगा, Y और Y प्राइम के बीच में क्या रिलेशन होगा, Z एंड Z प्राइम के बीच में क्या रिलेशन होगा, T एंड T प्राइम के बीच में क्या रिलेशन होगा, ये हमें रिलेशन देती हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। x प्राइम इक्वल टू होगा x माइनस vt, y प्राइम इक्वल टू होगा y के, और z प्राइम होगा z के बराबर, t प्राइम होगा t के बराबर। और स्टूडेंट्स, हम मान लेते हैं कि जो o ऑब्जर्वर है वो इस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी ऑब्जर्व करता है, वो u वेक्टर वेलोसिटी ऑब्जर्व करता है इस पार्टिकल की, और o प्राइम जो ऑब्जर्वर है यहां पर खड़ा हुआ, वो इस पार्टिकल की पी पॉइंट के ऊपर कितनी वेलोसिटी ऑब्जर्व करता है, यू प्राइम वेलोसिटी ऑब्जर्व करता है, क्योंकि जो वेलोसिटी है वो वेरिएंट क्वांटिटी है। तो दोनों ऑब्जर्वर जो हैं, क्योंकि अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सिचुएटेड हैं, तो दोनों के लिए जो पार्टिकल की वेलोसिटी होगी वो अलग अलग होंगी, एक होगी यू वेक्टर, एक होगी यू प्राइम वेक्टर, जहां पर यू वेक्टर के तीन कॉम्पोनेंट्स होंगे यू एक्स, यू वाई, यू जेड। इसलिए हम यू वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप प्लस यू जेड के कैप, वेर आई कैप, जे कैप एंड के कैप जो है वो यूनिट वेक्टर्स है अलोंग एक्स, वाई, जेड एक्सिस। तो स्टूडेंट्स, यू प्राइम वेक्टर क्या होगा, इसी तरह से हम यू प्राइम वेक्टर को लिख सकते हैं, यू प्राइम वेक्टर के भी तीन कॉम्पोनेंट्स होंगे यू एक्स प्राइम, यू वाई प्राइम एंड यू जेड प्राइम। इसलिए हम यू प्राइम वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं यू एक्स प्राइम आई कैप प्लस यू वाई कैप, यू वाई प्राइम जे कैप, यू जेड प्राइम के कैप। तो स्टूडेंट्स, तो हमारे पास यू एक्स एंड यू एक्स प्राइम और यू वाई एंड यू वाई प्राइम एंड यू जेड प्राइम में क्या रिलेशन होगा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन वेलोसिटी के अकॉर्डिंग, वो ये रिलेशन होगा यू एक्स प्राइम इक्वल टू यू माइनस वी, यू वाई प्राइम इक्वल टू यू वाई एंड यू जेड प्राइम इक्वल टू यू जेड। ये रिलेशन होगा अकॉर्डिंग टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, जब ये फ्रेम जो है एक ऐसी वेलोसिटी से मूव करेगा जो कि वेलोसिटी ऑफ लाइट से बहुत कम होती है। बट स्टूडेंट्स, हम ये पढ़ रहे हैं, हमने यहाँ पर डिस्कस करना है रिलेटिविस्टिक रेंज को। तो स्टूडेंट्स, जब ये फ्रेम
इतनी वेलोसिटी के साथ मूव करेगा कि वो कंपेरेबल होगी वेलोसिटी ऑफ लाइट के। देखिए स्टूडेंट्स, वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होती है वो 300,000 मीटर पर सेकंड होती है। किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो 300,000 मीटर पर सेकंड के बराबर नहीं हो सकती, उससे ज्यादा नहीं हो सकती, उससे कम हो सकती है। मान लीजिए ये जो फ्रेम एस प्राइम है ये 200,000 मीटर पर सेकंड की स्पीड से पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है, तो हम यहाँ पर ये वाली इक्वेशंस नहीं अप्लाई कर सकते, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन अप्लाई नहीं कर सकते। वहां पर हमें अप्लाई करनी पड़ती है लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो है एक सेट ऑफ इक्वेशंस होते हैं जिसमें आपको चार इक्वेशंस मिलती हैं जो इन कोऑर्डिनेट्स को आपस में रिलेट करती हैं, एक्स एन एक्स प्राइम को, वाई एन वाई प्राइम को, जेड एन जेड प्राइम को, टी एन टी प्राइम को। कब रिलेट करती हैं? जब मूविंग फ्रेम जो है, जो हमारा एस प्राइम फ्रेम है, वो इस इतनी वेलोसिटी के साथ मूव करे जो कि कंपेरेबल हो स्पीड ऑफ लाइट के साथ, तो उस केस में जो इनके बीच में रिलेशन निकल के आता है वो लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस के थ्रू निकल के आता है। और लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस क्या होती हैं, वो रिलेशन कैसे निकल के आते हैं, इस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, वो वीडियो आप जरूर देखिए, तब आपको समझ आएगा कि इन चारों रिलेशन वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशन निकल के आता है और कैसे निकल के आता है। आज हम इनके वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशन है वो डायरेक्टली हम यहाँ यूज करेंगे। तो लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हमें क्या कहती है, एक्स प्राइम इक्वल टू होगा एक्स माइनस वी टी डिवाइडेड बाई वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, वाई प्राइम इक्वल टू होगा वाई एंड जेड प्राइम इक्वल टू होगा जेड, क्योंकि यहाँ पर जो रिलेटिव मोशन है फ्रेम एस एंड एस प्राइम के बीच में वो सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग है, वाई एंड जेड एक्सिस में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है, तो वाई कोऑर्डिनेट जो है दोनों फ्रेम्स के वो इक्वल रहेंगे। और जो टाइम कोऑर्डिनेट है, जो टाइम होता है, जब जो क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग एब्सोल्यूट माना जाता है पर वो एब्सोल्यूट नहीं होता, इट ऑल्सो चेंजेस विद चेंज इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो टी प्राइम जो होगा वो होगा इक्वल टू टी माइनस एक्स वी बाई सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो ये चार इक्वेशन है जिसको हम यूज करके हमने वेलोसिटी एडिशन थ्योरम को प्रूव करना है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के अकॉर्डिंग यू एक्स एंड यू एक्स प्राइम में, यू वाई एंड यू वाई प्राइम में, यू जेड एंड यू जेड प्राइम में क्या रिलेशन निकल के आएगा, वही हमने वेलोसिटी एडिशन थ्योरम में देखना है। और इसी को बोला जाता है रिलेटिविस्टिक एडिशन ऑफ वेलोसिटीज। तो स्टूडेंट्स, इनमें हमने रिलेशन निकालना है लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को यूज करके, यू प्राइम एक्स एंड यू एक्स के बीच में यहाँ पर यू एक्स आएगा, एंड यू वाई प्राइम एंड यू वाई के बीच में यू जेड प्राइम एंड यू जेड के बीच में क्या रिलेशन आएगा, वो हमें देखना है क्या रिलेशन आएगा। ये जो रिलेशन है ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के अकॉर्डिंग निकले हुए हैं। तो स्टूडेंट्स चलते हैं और देखते हैं कि आप, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्रूफ वेलोसिटी एडिशन थ्योरम एंड व्हाट इज वेलोसिटी एडिशन थ्योरम, तो आप थ्योरी में क्या लिख के आएंगे स्टार्टिंग में, आइए वो देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। Consider two frames S and S prime where S prime is moving towards positive x direction relative to S with velocity v vector. तो students, हमने यहाँ दो frame consider किए हैं, S frame and S prime frame, दोनों के दोनों frame जो है वो inertial frames है, S frame जो है वो rest में है, S prime frame जो है वो constant velocity v vector के साथ positive direction of x axis की तरफ move कर रहा है। Suppose a particle moves with velocity u vector whose components are ux, uy, uz relative to frame S. एक पार्टिकल हमने यहाँ assume कर लिया P point के ऊपर जिसकी velocity है u vector with respect to this observer जो कि यहाँ खड़ा हुआ है S frame के origin के ऊपर। तो u vector के तीन components होंगे ux, uy and uz। तो तीनों components जो है वो इस frame के respect में है, S frame of reference के respect में। And with velocity u prime vector whose components are ux prime, uy prime and uz prime relative to frame s prime. जो velocity है वो variant quantity होता है, क्योंकि अब हम s prime frame की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें velocity जो है वो अलग लेनी पड़ेगी। हमने velocity दी है particle की u prime vector relative to this frame of reference s prime, जो यहाँ observer खड़ा होगा o prime के ऊपर, तो उसको जो velocity है particle की वो अलग दिखाई देगी, अलग velocity से move करता दिखाई देगा particle, और वो velocity होगी u prime vector। ये भी एक vector quantity है, इसके भी तीन components होंगे, वो होंगे ux prime, uy prime and uz prime, और ये सारे component जो है वो इस frame of reference s prime के respect में है। तो students, हम ux क्या होगा, ux होता है rate of change of x coordinate, तो ux होगा dx by dt, इसलिए इसी तरह से uy जो होगा rate of change of y coordinate dy by dt, ये होगी second equation, uz dz by dt, ux prime होगा rate of change of x coordinate with respect to frame s prime, और जो x coordinate है particle का point p के ऊपर s frame के respect में वो x प्राइम है, तो यू एक्स प्राइम हो जाएगा डी एक्स प्राइम बाय डी टी प्राइम। सिमिलरली यू वाई प्राइम हो जाएगा डी वाई प्राइम बाय डी टी प्राइम, और यू जेड प्राइम हो जाएगा डी जेड प्राइम बाय डी टी प्राइम। तो ये है सिक्स इक्वेशन। तो अब हम लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन यूज करेंगे। चार इक्वेशन का सेट होता है लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, एक्स प्राइम इक्वल टू एक्स माइनस वी टी बाय डिवाइडेड बाय वन
माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, एक होता है वाई प्राइम इक्वल टू वाई, एक होता है जेड प्राइम इक्वल टू जेड, और चौथी इक्वेशन जो होती है वो ये वाली होती है। हमें दो इक्वेशन चूज करनी है, एक्स प्राइम वाली और टी प्राइम वाली। तो हमने दो इक्वेशन लिख ली, टी प्राइम इक्वल टू टी माइनस एक्स बी बाय सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट वन माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, ये सेवन था ये एट था। ये इक्वेशंस कैसे आई हैं, ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की जब हमने डेरिवेशन की थी इस वीडियो के अंदर, इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां हमने इसका प्रूफ किया था। यहां पर इस टॉपिक के लिए आपको ये जो रिजल्ट्स हैं ये एज इट इज आपको लर्न करने पड़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, इन एट इक्वेशन को फॉर्म करने के बाद बाकी की जो डेरिवेशन है वो हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो सर, लास्ट सेक्शन में हम सेवंथ और एट्थ इक्वेशन लिख चुके थे, जो कि थी एक्स प्राइम इक्वल टू एक्स माइनस बी टी डिवाइडेड बाय रूट वन माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, और एट्थ इक्वेशन टी प्राइम इक्वल टू टी माइनस एक्स बी बाय सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट वन माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। अब हम करेंगे डिफरेंशिएटिंग सेवंथ इक्वेशन को बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग सेवंथ बोथ साइड। तो एक्स प्राइम का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा डीएक्स प्राइम, डीएक्स का डिफरेंशिएशन होगा डीएक्स माइनस वी, जो है वो कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, तो माइनस वी का ऐसे रहेगा, और टी का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा डीटी। और ये जो डिनोमिनेटर में टर्म है बी भी कांस्टेंट है सी भी कांस्टेंट है, ये पूरी वो टर्म जो है कांस्टेंट टर्म वो एज इट इज आ जाएगी। ये है नाइन्थ इक्वेशन, डिफरेंशिएटिंग एट बोथ साइड्स। इसी तरह से एट्थ इक्वेशन डिफरेंशिएशन करेंगे, टी प्राइम पर डिफरेंशिएशन होगा डी टी प्राइम इक्वल टू टी का डिफरेंशिएशन होगा डी टी माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन होगा डी एक्स, और वी अपॉन सी स्क्वायर जो है वो ऐसे देगा क्योंकि दोनों कांस्टेंट है, वी भी कांस्टेंट है और सी भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी फ्रेम एस प्राइम आगे मूव कर रहा है और कांस्टेंट वेलोसिटी है वी, और सी है वेलोसिटी ऑफ लाइट जो कि कांस्टेंट ही होती है 300,000 मीटर पर सेकंड, और डिनोमिनेटर जो है वो यहां भी कांस्टेंट है, उसको भी हम ऐसे ही रहने देंगे। तो ये टेंथ इक्वेशन आ गई। तो नाइन्थ एंड टेंथ इक्वेशन फॉर्म करने के बाद बाकी के स्टेप्स हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो सर, लास्ट सेक्शन के हम dx प्राइम की वैल्यू निकाल चुके थे, जो कि निकल गई थी dx माइनस v dt डिवाइडेड बाय रूट वन माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर, जिसको हमने नाइन्थ इक्वेशन दिया था। और dt प्राइम की वैल्यू निकल गई थी dt माइनस dx बाय dx इनटू v बाय c स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट v वन माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर, ये थी टेंथ इक्वेशन। देखिए स्टूडेंट्स, हमने ux प्राइम की वैल्यू निकालनी है, और ux प्राइम की वैल्यू है हमारे पास dx प्राइम बाय dt प्राइम, जो कि फोर्थ इक्वेशन है। dx प्राइम की वैल्यू भी निकल चुकी है, dt प्राइम की वैल्यू भी निकल चुकी है, तो दोनों वैल्यूज जो है नाइन्थ और टेंथ इक्वेशन में निकल चुके हैं, उन दोनों की वैल्यू जो है हमें अब फोर्थ इक्वेशन में डालनी है यूजिंग 9 एंड 10 इन 4। तो यूएक्स प्राइम था हमारा फोर्थ इक्वेशन के अकॉर्डिंग डीएक्स प्राइम बाय डीटी प्राइम इक्वल टू डीएक्स प्राइम की वैल्यू है डीएक्स माइनस वी डीटी डिवाइडेड बाय रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। नाइन्थ इक्वेशन के अकॉर्डिंग डीएक्स प्राइम की वैल्यू ये है, और डिवाइडेड बाय डीटी प्राइम, डीटी प्राइम की वैल्यू है डीटी माइनस डीएक्स बाय डीएक्स इंटू वी स्क्वायर बाय वी बाय सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो हमने वैल्यू पुट कर दी dt प्राइम की यहां पर। तो स्टूडेंट्स, ये जो टर्म है ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास बचेगा dx माइनस वी dt डिवाइडेड बाय dt माइनस dx इंटू वी बाय सी स्क्वायर। तो हमने वो यहां पर लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा न्यूमिनेटर है dx माइनस वी dt और जो हमारा डिनोमिनेटर है dt माइनस dx इंटू वी बाय सी स्क्वायर, हर एक टर्म को जो है वो dt से हम डिवाइड करेंगे। तो dx के पॉन में भी dt लगाएंगे, इस टर्म के पॉन में भी dt लगाएंगे, dt के पॉन में भी dt लगाएंगे और इस टर्म के पॉन में भी dt लगाएंगे। तो इस dt से dt कैंसिल हो जाएगा, इस dt से dt कैंसिल हो जाएगा, और dx बाय dt क्या है हमारा, dx बाय dt जो है फर्स्ट इक्वेशन अकॉर्डिंग वो है ux। तो dx बाय dt की जगह हम ux लिख देंगे, माइनस v बचेगा ऊपर डिवाइडेड बाय dt से dt कट गया, तो यहां बचेगा 1 माइनस dx बाय dt आ जाएगा ux इंटू वी बाय सी स्क्वायर। तो हमारी पहला रिलेशन निकल चुका है ux प्राइम इक्वल टू ux माइनस v डिवाइडेड बाय 1 माइनस ux v बाय सी स्क्वायर। जैसे हमने ux प्राइम एंड ux के बीच में रिलेशन निकाला है, उसी तरह से अब हम नेक्स्ट सेक्शन में uy प्राइम एंड uy के बीच में रिलेशन निकालेंगे, एंड सिमिलरली हम रिलेशन फाइंड करेंगे uz प्राइम एंड uz के बीच में, और ये रिलेशन हम ड्राइव करेंगे अब नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स, लास्ट सेक्शन में हमने ux प्राइम एंड ux के बीच में रिलेशन निकाला, चलिए हम निकालते हैं रिलेशन बिटवीन uy प्राइम एंड uy एंड uz प्राइम एंड uz। इसके लिए हमें यूज करनी पड़ेगी बाकी बची हुई दो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, जो कि होती हैं अकॉर्डिंग टू लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस z प्राइम इक्वल टू z होता है, दोनों तरफ डेरिवेटिव करेंगे तो dz प्राइम इक्वल टू dz आ जाएगा, ये होगी हमारी 11th इक्वेशन। 11th इक्वेशन के दोनों तरफ हम dt प्राइम से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग 11 बाय dt प्राइम, तो dz प्राइम बाय dt प्राइम इक्वल टू हो जाएगा dz डिवाइडेड बाय dt प्राइम। dz प्राइम बाय dt प्राइम क्या है स्टूडेंट्स, dz प्राइम बाय dt प्राइम है इक्वेशन नंबर 6 के अकॉर्डिंग uz प्राइम। तो हम यहां पर uz प्राइम लिख देंगे इक्वल टू dz हमारा ऐसे ही रहेगा, dt प्राइम की वैल्यू हम निकाल चुके थे पिछले सेक्शन में 10th इक्वेशन थी, जो 10th इक्वेशन मैंने यहां लिख दिया है जहां पर हमने dt प्राइम की वैल्यू निकाली थी, जो कि इक्वल टू थी dt माइनस dx इंटू वी बाय सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ये थी हमारी 10th इक्वेशन जिसमें हमने dt प्राइम की वैल्यू निकालती है, तो dt प्राइम की वैल्यू ये वाली
मैं यहाँ पर उठा के डाल रहा हूँ, डी टी प्राइम की वैल्यू है डी टी माइनस डी एक्स इंटू वी बाय सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ये जो रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर है ये ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा डी जेड इंटू रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर डिवाइड में बचेगा डी टी माइनस डी एक्स इंटू वी बाय सी स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप पे आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, मीन्स जिसके ऊपर मैं सर्कल डाल रहा हूँ, इसको, इस टर्म को और इस टर्म को, दोनों को dt से डिवाइड करेंगे, तो dz के अकाउंट में भी dt लिखेंगे आप, ये हमारा ऐसे रहेगा रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, dt के अकाउंट में भी dt लिखेंगे माइनस dx के अकाउंट में भी dt लिखेंगे v बाय सी स्क्वायर, ऐसे ही रहेगा। तो स्टूडेंट्स इसके बाद इसको हम दे देते हैं 13th इक्वेशन, और इसी तरह से आप यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन अकॉर्डिंग y प्राइम इक्वल टू y होता है, तो dy प्राइम मींस डिफरेंशिएटिंग जब दोनों तरफ करेंगे तो ये बन जाएगा dy प्राइम इक्वल टू dy, दोनों तरफ dt प्राइम से डिवाइड करेंगे तो ये dy प्राइम बाय dt प्राइम इक्वल टू dy बाय dt प्राइम बन जाएगा, और dy प्राइम बाय dt प्राइम क्या है, इक्वेशन नंबर 5 के अकॉर्डिंग uy प्राइम है, तो uy प्राइम इक्वल टू आ जाएगा dy, और dt प्राइम की वैल्यू हमने निकाल चुके हैं यहां पर, तो dt प्राइम की वैल्यू है 10th इक्वेशन के अकॉर्डिंग dt माइनस dx इंटू वी बाय सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, ये रूट वाइज टर्म है ऊपर चली जाएगी, dy के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये dy इंटू रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर बच जाएगा, और डिवाइड में आ जाएगा dt माइनस dx बाय dx इंटू वी बाय सी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम dt से डिवाइड करेंगे, तो dy के अकाउंट में भी dt लिखेंगे, ये टर्म ऐसी रहेगी, dt के अकाउंट में भी dt लिखेंगे तो dt बाय dt आ जाएगा माइनस dx बाय dt v बाय सी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स dy बाय dt हम ये आ गए हमारे पास स्टूडेंट्स, इसके बाद में आपको सॉल्व यहाँ करके दिखाता हूँ, इसके लिए मुझे डायग्राम रब करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 14, तो स्टूडेंट्स पहले मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ इक्वेशन नंबर 13 को, तो इक्वेशन नंबर 13 के लेफ्ट साइड में uz प्राइम इक्वल टू dz बाय dt क्या होता है uz इनटू रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, ऐसे देगा इस dt से dt कैंसिल हो जाएगा तो यहां बचेगा वन माइनस dx बाय dt क्या है, dx बाय dt है ux और साथ में है v बाय सी स्क्वायर, तो ये आपकी सेकंड आ चुकी है वेलोसिटी एडिशन थ्योरम की इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर 13 को सॉल्व करके आया है। इसी तरह से इक्वेशन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे तो आपके पास यू वाई प्राइम की वैल्यू निकल के आएगी, डी वाई बाई डी टी क्या है, डी वाई बाई डी टी है यू वाई इंटू वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, वाई से देगा, सिमिलरली डी टी डी टी कट जाएगा तो वन बचेगा, माइनस डी एक्स बाई डी टी अगेन है यू एक्स साथ में आ जाएगा वी बाय सी स्क्वायर, तो ये आ चुकी हैं। तो पहले हमने निकाला था यू एक्स प्राइम एंड यू वाई, यू एक्स के बीच में रिलेशन, अब हमने निकाला है यू जेड प्राइम एंड यू जेड के बीच में रिलेशन, इसी तरह से यू वाई प्राइम और यू वाई के बीच में ये रिलेशन होगा, और ये रिलेशन कब हम लेके चलते हैं, जब हमारे पास जो सेकंड फ्रेम है एस प्राइम फ्रेम, जो मूविंग फ्रेम है जो इतनी वेलोसिटी से मूव करे जो कंपेरेबल हो वेलोसिटी के साथ, तो हमें ये रिलेशन यूज करने पड़ते हैं यू एक्स प्राइम यू एक्स के बीच में, यू वाई प्राइम एंड यू वाई के बीच में, यू जेड प्राइम एंड यू जेड के बीच में। इस इन तीन इक्वेशन ड्राइव करने के बाद अब हम देखेंगे फाइनल कंक्लूजन क्या निकल के आता है इस टॉपिक के बारे में। सो स्टूडेंट वेलोसिटी एडिशन थ्योरम में हम ये तीन रिजल्ट निकाल के आएंगे एग्जाम में। देखिए स्टूडेंट इस रिजल्ट से बहुत ही खास बात निकल के आ रही है, मान लीजिए ये v की वैल्यू जो है जिस वेलोसिटी से फ्रेम s प्राइम मूव कर रहा था x एक्सिस के अलोंग, पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग, और ये v की वैल्यू बहुत कम है, और मान लीजिए v की वैल्यू है 500 मीटर पर सेकंड, अगर 500 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जो हम डे टू डे लाइफ में ज्यादातर ऑब्जेक्ट्स देखते हैं इतनी ही स्पीड से मूव करते हैं, तो स्टूडेंट्स अगर v की वैल्यू कम है और c की जो वैल्यू होती है वो होती है 300,000 मीटर पर सेकंड, तो जो v बाय c स्क्वायर आएगा निकल के वो बहुत ही कम आएगा, अप्रोक्सीमेटली इसको हम ले लेंगे जीरो के बराबर। तो स्टूडेंट्स क्योंकि जब हम छोटे टर्म को सी स्क्वायर से इसके स्क्वायर से जब डिवाइड करेंगे तो बहुत ही कम आएगा, 0.00000 समथिंग आएगा, तो इसको जीरो मान लेते हैं। तो अगर v जो है कम है, इफ v स्मॉल, इफ v इज वेरी वेरी स्मॉलर देन c, तो हमारा यू एक्स प्राइम क्या बन जाएगा, देखिए ध्यान से, यू एक्स प्राइम इज इक्वल टू बन जाएगा यू एक्स माइनस v, तो v बाय सी स्क्वायर जो है वो जीरो को अप्रोच कर रहा है तो 1 माइनस जीरो हो जाएगा 1, तो हम 1 लिखेंगे नहीं। इसी तरह से यू वाई प्राइम क्या बनेगा, ध्यान से देखिए, यू वाई हमारा ऐसे रहेगा 1 माइनस ये स्मॉलर रेशियो 1 माइनस जीरो इज इक्वल टू 1 और स्क्वायर रूट ऑफ, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 हो जाएगा, तो ऊपर यू वाई बचेगा और नीचे 1 माइनस ये टर्म जो है वो जीरो का अप्रोच करेगी, क्योंकि v बाय c स्क्वायर जो है वो अप्रोक्सीमेटली जीरो के बराबर आ रहा है जब v जो है बहुत कम है, तो 1 माइनस जीरो 1 होगा, तो यू वाई प्राइम इक्वल टू यू वाई हो जाएगा, सिमिलरली यू जेड प्राइम इक्वल टू यू जेड हो जाएगा। तो ये कौन सी इक्वेशन है, ये गैलेरियन वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है, मीन्स जब v की वैल्यू बहुत कम होगी तो हमें ये वाली इक्वेशन अप्लाई करनी पड़ेंगी इन इन इनके बीच में रिलेशन निकालने के लिए, यू एक्स प्राइम यू एक्स के बीच में, यू वाई प्राइम यू वाई एंड यू जेड प्राइम एंड यू जेड
के बीच में रिलेशन निकालने के लिए हमें इन तीन इक्वेशन से काम चल जाता है, जो कि बहुत ही सिंपल इक्वेशन होती हैं जो डे टू डे लाइफ में यूज होती हैं। बट जब हमारा फ्रेम एस प्राइम जो है वो बहुत ही ज्यादा वेलोसिटी से मूव करेगा जो कि सी के कंपेरेबल होंगी, तो उस केस में जो वी बाय सी स्क्वायर का रेशो आएगा वो जीरो का अप्रोच नहीं करेगा, उसकी कुछ डेफिनेट वैल्यू होगी। तो उस केस में हमें ये तीन इक्वेशन जो है वो यूज करनी पड़ती हैं। ये डिफरेंस है लॉरेंज वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में एंड गैलीलियन वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में। तो फ्रेंड्स, इसके नेक्स्ट सेक्शन में हम प्रूव करेंगे कि जो लाइट की जो स्पीड होती है वो हर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो कांस्टेंट होती है, वो डिपेंड नहीं करती सोर्स ऑफ लाइट एंड ऑब्जर्वर की स्पीड के ऊपर, जो कि है आइंस्टाइन का सेकंड पोस्टुलेट स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। ये भी हम वेलोसिटी एडिशन थ्योरम के द्वारा प्रूव कर सकते हैं, और ये हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। स्टूडेंट्स, इस सेक्शन में प्रूव करेंगे कि आप कैसे वेलोसिटी एडिशन थ्योरम के रिजल्ट्स को यूज करके ये प्रूव कर सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट की स्पीड से ज्यादा स्पीड से नहीं मूव कर सकता। तो उसके लिए हम यूज करेंगे पहली वेलोसिटी एडिशन थ्योरम की इक्वेशन, जो कि निकल गई थी ux प्राइम इक्वल टू ux माइनस v डिवाइडेड बाय 1 माइनस ux v बाय c स्क्वायर। स्टूडेंट्स, हम मान लेते हैं कि ux इक्वल टू c है, मींस ऑब्जर्वर o के लिए जो x कंपोनेंट है पार्टिकल की वेलोसिटी का वो वेलोसिटी ऑफ लाइट c के बराबर है। तो हम यहां से ux प्राइम की वैल्यू निकाल के देखते हैं क्या निकल के आएगी। ux प्राइम इक्वल टू ux c है, c माइनस v ऐसे रहेगा 1 माइनस, ये हमारा c लिया है c इंटू वी बाय c स्क्वायर। तो एक c से एक c कैंसिल कर दीजिए आप, तो आपके पास बचेगा यहां पर c माइनस वी डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी बाय c। तो एलसीएम लेके आएगा आपके पास c माइनस वी ऊपर आ जाएगा, नीचे c आ जाएगा, c ऊपर चला जाएगा, ux प्राइम इक्वल टू c आ जाएगा। मींस अगर पहले वाले फ्रेम के ऑब्जर्वर को पार्टिकल जो है वो सी वेलोसिटी के साथ मूव करते हुए दिखाई दे रहा है, तो दूसरे ऑब्जर्वर के लिए ओ प्राइम ऑब्जर्वर के लिए भी जो पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो भी सी निकल के आएगी। तो यहां से हम ये प्रूव होता है कि इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ पार्टिकल टू मूव विद अ वेलोसिटी ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो कोई भी पार्टिकल जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट की से ज्यादा वेलोसिटी के साथ कभी नहीं मूव कर सकता, आज तक ऐसा नहीं हुआ। तो स्टूडेंट्स, आप यहां तक करके आएंगे एग्जाम के अंदर। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच।